नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा मैं कैसे फर्श पर पानी गिर के उस पानी में घुस जाता हूँ। अगर आप भी ऐसी वीडियो बनाना चाहते हो तो वीडियो में एंड तक बने रहिए मेरे साथ। और हाँ दोस्तों, जितने भी VFX इस वीडियो में यूज किए गए हैं वो आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने काइंड मास्टर ऐप को आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आप क्रिएट नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। इसके बाद जिस भी एक्सपर्ट रेशो में आपने वीडियो बनाई है उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद इस नेक्स्ट के ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिए। अब अपनी वीडियो को आपको यहां से सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों, हमने अपनी वीडियो को क्लाइंट मास्टर में ओपन कर लिया है। इसके बाद आप वीडियो को कुछ इस प्रकार शूट कर लीजिए। मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, अपने कैमरे को आप किसी स्टैंड पे आप रख सकते हैं जिससे कि आपकी वीडियो हिले नहीं। तो दोस्तों, आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाना है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। जैसे ही आप कूदने के लिए तैयार होते हो वहां से आपको इस वीडियो को कैप्चर कर लेना है। पीछे करते हैं थोड़ा सा। कैप्चर करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ये दिख रहा होगा, कैप्चर एंड सेव पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपकी ये जो इमेज है वो आपकी सेव हो चुकी होगी आपके फ़ोन में। फिर आपको इसकी PNG बनानी है। PNG बनाने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, अपनी इमेज की PNG बनाने के लिए आप अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आप इस पर रिमूव PG सर्च कीजिए। रिमूव PG आपको जो पहली साइड दिख रही होगी इस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ अपलोड इमेज पर क्लिक कीजिए। और दोस्तों, यहाँ से आप अपनी इमेज को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपकी यहाँ ऑटोमेटिक सबसे फास्ट आपकी PNG बन जाएगी। फिर यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। अभी आपकी PNG डाउनलोड हो चुकी है। तो दोस्तों, PNG बनने के बाद आप अपने वीडियो पे वापस जाइए और यहाँ पे लेयर के ऑप्शन होगा, इस पर आप क्लिक कीजिए और फिर मीडिया के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। आप अपनी PNG यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। और दोस्तों, सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने PNG को कुछ इस प्रकार आपको इसे बड़ा करना है। बड़ा करने के लिए आप यहाँ एरो के ऑप्शन पे आप इसे खिसकाइए। इसे आप अपने वीडियो की जो आपकी जहाँ से आप कूदे हैं उसे वहीं पे लेके आ जाइए। आप कुछ इस प्रकार इसे लेके आ जाइए। दोस्तों, आपको बिल्कुल इसे बराबर रखना है। अगर आप इसे बराबर नहीं रखोगे तो आपकी वीडियो सही नहीं बनेगी। इसके बाद आप यहाँ से इसे आगे बढ़ाइए। जहाँ से मैं चला जाता हूँ दोस्तों,
यहाँ पे जाके आप वापस कैप्चर के ऑप्शन पे जाइए और कैप्चर एंड सेव पे आप क्लिक कीजिए इस इमेज को। फिर दोस्तों आपको वापस जाना है अपनी वीडियो को यहाँ पे इस पॉइंट पे लेके आना है जहाँ से यहाँ पर जहाँ से आपकी PNG स्टार्ट होती है वहीं पर आपको लेके आना है। यहाँ पे लाने के बाद दोस्तों आप ऊपर वाली लेयर को सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद इस सीजर के ऑप्शन पर जाइए और ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों मीडिया के ऑप्शन पर जाइए और जो आपने कैप्चर अभी लिया था उसे यहाँ से सेलेक्ट कीजिए। देखिए दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। फिर आगे क्या करना है दोस्तों मैं बताता हूं। अपनी ये नीचे वाली लेयर को आप सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद ये आपको लेफ्ट हैंड साइड चाबी के ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिए और फिर अपनी वीडियो को अपनी फोटो को इमेज को आप नीचे सरकाइए। लेकिन सरकाने से पहले आप अपनी वीडियो को एंड पॉइंट तक लेके जाइए। जाने के बाद दोस्तों आप अपनी इस इमेज को नीचे सरका दीजिए कुछ इस प्रकार पकड़ के। देखिए दोस्तों अब मैं यहां से बिल्कुल ही गायब हो चुका हूं। इसके बाद देखिए दोस्तों इसे प्ले करके देखते हैं ये दिखता कैसे है। के बाद दोस्तों क्या करना है आपको अपने इस वीडियो को थोड़ा सा आप और बढ़ा लीजिए। फिर दोस्तों आपको वापस जाना है लेयर के ऑप्शन पे और आप मीडिया के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और यहां से जो आपने कैप्चर किया था उसे सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे। दोस्तों आप इसे धीरे धीरे इसे नीचे सरकाइए। या आप और अपनी वीडियो को अपनी इमेज को यहाँ तक लेके आइए जहाँ से आपकी PNG स्टार्ट होती है यहाँ पे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों मैं कैसे अंदर घुस जाता हूँ। फिर इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है लेकिन मैं काफ़ी धीरे से जा रहा हूँ। इसको मैं फास्ट करने के लिए अपने इस लेयर पर सेलेक्ट करके आप इसे लेफ्ट हैंड साइड को खिसकाइए। अब देखिए दोस्तों इसे और फास्ट करने के लिए दोस्तों आप इसे और कम कीजिए। देखिए दोस्तों अब आपको मैं एक ग्रीन स्क्रीन लगा के दिखाता हूँ। ये ग्रीन स्क्रीन आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो लेयर के ऑप्शन पे जाइए वीडियो के ऑप्शन पे जाके यहाँ से दोस्तों आपको अपनी ग्रीन स्क्रीन को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप ग्रीन स्क्रीन को इस ऑप्शन पे जाइए और इसे आप इनेबल कर लीजिए। इनेबल करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। इसे आप जहाँ पर आपने पानी गिर रहा है वहीं पे लेके आइए सेलेक्ट करके कुछ इस प्रकार। तो दोस्तों आपको इसे उस पॉइंट पे लेके आना है जब आप पानी में कूदने वाले होते हो। आपको कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। इसके बाद दोस्तों आपको अपनी ग्रीन स्क्रीन को सेलेक्ट करना है और थ्री डॉट के ऑप्शन पे जाइए और ब्रिंग
टू फ्रंट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और इसके बाद दोस्तों देखिए अगर आप चाहते हो हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।